एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। मेरी नीट बायोलॉजी फनी देसी ट्रिक सीरीज के अंदर आज मैं आप सभी को क्लास 12 एवोल्यूशन चैप्टर का फिगर 7.9 याद करवाने वाली हूँ। बच्चों को ये काफी ट्रिकी लगता है और सच कहूँ तो जब मैं कोई शॉर्ट ट्रिक वीडियो अपलोड करने की सोचती हूँ तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को कुछ इस नजरिए से देखती हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट होती उस क्लास की जिस क्लास का ये टॉपिक है तो मेरा क्या रिएक्शन होता। तो हाँ भाई, इस चार्ट को देखकर मैं भी ये सोच रही थी कि कैसे याद होगा। फिर जब मैंने ट्रिक बना दी फिर मुझे लगा अरे तो लल्लू था यार, आराम से याद हो जाएगा। एंड आई एम श्योर इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको भी लगेगा कि ये चार्ट तो एकदम लल्लू था। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स फटाफट से लर्न किया जाए। सबसे पहली चीज हम याद करेंगे कौन सा एरा में कौन से पीरियड्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। एरा का नाम याद करने का तरीका है पीएमसी, शॉर्ट फॉर्म बना दो यार पीएमसी। पी से पुराना, तो सबसे पुराना एरा कौन सा होगा? पैलियोजोइक। पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, ये तीन एरा आपके एनसीईआरटी के चार्ट में दिए हुए हैं। पी से पुराना, तो पी से पैलियोजोइक सबसे पुराना एरा है। पीएमसी 432, 4 में से 1 माइनस किया 3, 3 में से 1 माइनस किया 2। तो हमारी पहली ट्रिक एरा को याद करने की ट्रिक कहती है पीएमसी 432। ये एरा याद हो गए। 432 का मतलब है कि ये पी वाला जो एरा है ये चार पीरियड्स में डिवाइडेड है, एम वाला जो एरा है ये तीन पीरियड्स में डिवाइडेड है और सी वाला जो एरा है वो दो पीरियड्स में डिवाइडेड है। अब पीरियड्स को याद करने की ट्रिक क्या कहती है, देखो मैं ना, मेरी एक फ्रेंड है सिलू, उससे कह रही हूँ कि देव से कार्ब खाने की परमिशन लेकर आ, मुझे ना कार्बोहाइड्रेट खाना है, मुझे कार्बोहाइड्रेट खाने का मन कर रहा है। तो मैं सिलू से कह रही हूँ, सिलू सुनना, देव से कार्ब खाने की परमिशन लेकर आ। तो सिलू मुझे कहती है छोड़ यार, परमिशन क्या लेनी है, तू क्रिटेशियस ट्राई कर, तू दूसरा फ्रूट ट्राई कर जिसका नाम क्रिटेशियस है। मैं उसे कहती हूँ ओके थैंक यू, ठीक है। ये हमारी स्टोरी है और आपको पीरियड्स के नाम याद हो जाएंगे। क्या हुआ, मैंने सिलू को बोला सिलू देव से कार्ब की परमिशन लेकर आ, तो सिलू ना नहीं चाह रही कि वो परमिशन ले, तो वो मुझे बोलती है सुन यार तू क्रिटेशियस ट्राई कर। मैं कहती हूँ ओके थैंक यू, खत्म बात। तो ट्रिक क्या कहती है, सिलू देव से कार्ब की परमिशन ले ले, सिलू देव से कार्ब की परमिशन ले लो। सिलू मुझे क्या रिप्लाई कर रही है, ट्राई जरा क्रिटेशियस। सिलू कह रही है छोड़ यार क्या परमिशन लेनी, तू क्रिटेशियस ट्राई कर, ट्राई जरा क्रिटेशियस, जरा क्रिटेशियस ट्राई कर। मैंने उसे बोला थैंक यू। तो फिल करते हैं पीरियड्स के नाम, फिल करेंगे सिलू देव से कार की परमिशन लेकर आ। सिलू ने मुझे क्या रिप्लाई करा, ट्राई जरा क्रिटेशियस, यानी कि ट्रायसिक जोरासिक क्रिटेशियस। मैंने लास्ट में उसे क्या बोला, थैंक यू। ये हमारे पीरियड्स के नाम हो गए। अब हम याद करेंगे कि इन पर्टिकुलर पीरियड्स में कौन कौन से प्लांट्स आए। सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, हायर प्लांट्स कौन से होते हैं, सबसे एडवांस प्लांट्स कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो सबसे टॉप पर हम लिखेंगे एंजियोस्पर्म्स, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक टर्शरी पीरियड में प्लांट्स को याद करने की, मोनोकॉट ब्रायो इन टर्शरी पीरियड। सेंटेंस कहता है कि मोनोकॉट ब्रायो इन टर्शरी पीरियड, यानी कि टर्शरी पीरियड में कौन कौन से प्लांट्स आए, मोनोकोटिलेडंस एंड ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट आता है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस के प्लांट्स को याद करने की ट्रिक कहती है डीजीएसजी इन क्रिटेशियस पीरियड। डी से डाइकोटिलेडंस, जी से जिंकोस, फिर जी से नीटेस और एस से स्पिनोप्सिडा, यानी कि आपके हॉर्सटेल्स। डीजीएसजी इन क्रिटेशियस पीरियड। जुरासिक, जुरासिक पीरियड में कौन आए थे, डायनासोर आए थे। तो सेंटेंस कहता है कि डायनासोर कौन से पेड़ पर चढ़े, डायनासोर एच लाइको एफसीसी के पेड़ पर चढ़े। डायनासोर किस पेड़ पर चढ़े, एच लाइको एफसीसी के पेड़ पर चढ़े, यानी कि कौन कौन से प्लांट्स हो गए, हर्बेशियस लाइकोपोड्स, एफ से फर्न्स, सी से साइकेड्स एंड सी से कॉनिफर्स। डायनासोर एच लाइको एफसीसी के पेड़ पर चढ़े, किसी ने कुछ भी ट्राई नहीं करा, तो ट्रायसिक वाला जो पीरियड है उसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अब जो ये लास्ट के चार पीरियड है, सिलू देव कार्बोनिफेरस एंड परमियन, इनके प्लांट्स को याद करने की ट्रिक कहती है जोस्टेरो प्रोजिम से सीड फर्नेलाइको। एक लड़का है जोस्टेरो, मैं उसे कह रही हूं प्रोजिम, जिम का नाम है प्रोजिम, प्रोजिम से सीड फर्न लेकर आ। जोस्टेरो प्रोजिम से सीड फर्न एलाइको, जोस्टेरो यानी कि जोस्टेरोफाइलम, प्रोजिम से प्रोजिम्नोस्पर्म, सीड फर्न एलाइको आर्बोरसेंट लाइकोपोड्स।
जोस्टेरो प्रोजिम से सीट फन ए लाई को। ध्यान रखिएगा ट्रिक वीडियो जब भी आप देखते हो तो एक बार में आपको याद नहीं होता है, एक बार आपको खुद भी रिवाइज करना पड़ता है और ये बहुत ज्यादा इजी है। इस कॉम्प्लेक्स चार्ट को इजीएस्ट वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की मैंने पूरी कोशिश करी है। सबसे टॉप में आपके हायर प्लांट्स आएंगे, दैट इज एंजियोस्पर्म्स। उसके बाद टर्शियरी पीरियड के प्लांट्स को याद करने की ट्रिक कहती है मोनोकॉट ब्रायो इन टर्शियरी पीरियड, डीजीएसजी इन क्रिटेशियस पीरियड, जुरासिक डायनासोर किस पर चढ़े, एच लाइको एफसीसी कर प्लांट पर आपके डायनासोर चढ़े, ट्राई किसी ने कुछ भी ट्राई नहीं किया तो ट्रायसिक में कुछ नहीं आएगा। अब सिलू देव कार्बोनिफेरस और परमियन के प्लांट्स को याद करने का तरीका है कि जोस्टेरो प्रोजिम से सीड फन ए लाइको, जोस्टेरो प्रोजिम से सीड फन ए लाइको। अब लास्ट चीज जो इस चार्ट में बच गई है वो आपके एंसेस्टर्स। देखो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, एंसेस्टर कहते हैं कि क्लोरो तकिया राइना सिलेगी, क्लोरो मतलब हरा, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, हरे तकिए को राइना सिलेगी, एक लड़की का नाम है राइना, एंसेस्टर्स कहते हैं क्लोरो तकिया राइना सिलेगी। ये आपकी ट्रिक है, ये आपके एंसेस्टर्स का नाम है क्लोरो, क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स तकिया, ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स राइना, राइनिया टाइप प्लांट्स एंड सिलो से सिलोटम, एंसेस्टर्स कहते हैं क्लोरो तकिया राइना सिलेगी। अब हरे तकिए के बीच से आएंगे ब्रायोफाइट्स, क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स एंड ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स के बीच से ओरिजिनेट हुए आपके ब्रायोफाइट्स। तकिया और राइना के बीच में जू एच लाइकोपोड्स आएंगे, जोस्टेरोफाइलम एंड अर्बोरेसेंट एंड हर्बेशियस लाइकोपोड्स। बाकी सारे जितने भी प्लांट्स हैं वो आपके सिलोटम एंसेस्टर्स से आए थे, तो बाकी सारे प्लांट्स जो भी आपके ऑप्शन में होंगे वो सिलोटम एंसेस्टर्स के होंगे। हमने कहा बाकी जितने भी प्लांट्स थे वो सिलोटम से ओरिजिनेट हुए, ठीक है जी। प्रोजिम जो कि सिलोटम से ही ओरिजिनेट हुआ है, प्रोजिम में उस जिम का नाम, जिस जिम का नाम प्रोजिम है, प्रोजिम में हमें एक सीड मिला और उस सीड से कौन कौन से प्लांट्स निकले, साइकेट्स डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। प्रोजिम से सीडीएम प्लांट्स निकले, साइकेट्स डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स निकले। ये आपकी ट्रिक है फिगर 7.9 को याद करने की, फटाफट से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले एरा, एरा पीएमसी कोड कहता है 432, पैलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा 432 डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स, 3 पीरियड्स एंड 2 पीरियड्स। पीरियड्स का नाम कैसे याद किया, सिलू देव से कार्व की परमिशन लेकर आ, ट्राई जरा क्रिटेशियस, थैंक यू, ये आपके पीरियड्स के नाम हो गए। प्लांट्स के नाम कैसे याद करें, सबसे हायर प्लांट कौन सा है, एंजियोस्पर्म्स है। उसके बाद मोनोकॉट ब्रायो इन टर्शियरी पीरियड, डीजीएसजी इन क्रिटेशियस पीरियड, जुरासिक में डायनासोर आए थे, डायनासोर किस पर चढ़ा, एच लाइको के एफसीसी प्लांट पर डायनासोर चढ़े, किसी ने कुछ भी ट्राई नहीं किया तो ट्रायसिक ब्लैंक रहेगा। सिलू डेव कार्बोनिफेरस परमियन के प्लांट्स को याद करने का तरीका है जोस्टेरो प्रोजिम से सीड फर्न ए लाइको। एंसेस्टर्स क्या कहते हैं, एंसेस्टर्स कहते हैं कि क्लोरो तकिया राइना सिलेगी, क्लोरो और तकिया के बीच से ब्रायोफाइट्स आए और आपके तकिया और राइना के बीच से जू एच लाइकोपोड्स आए। बाकी सारे प्लांट्स आपके सिलोटम से आए और आपका प्रोजिम भी क्योंकि सिलोटम से ही आया है, प्रोजिम में हमें एक सीड मिला, उस सीड से सीडीएम साइकिट्स डाइकोट्स मोनोकोट्स आपके ओरिजिनेट हुए। अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी तो आप लोग इस चार्ट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आएंगे आराम से सॉल्व कर पाएंगे। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं आप लोगों को उसमें एवोल्यूशन ऑफ वर्टेब्रेट वाला जो चार्ट है उसकी ट्रिक भी अपलोड करूंगी। अगर आप इस वीडियो को 15 जून के बाद देख रहे हैं तो वो वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर आ चुकी होगी। आज 11 जून को अनअकैडमी पर मैं प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट से रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स की फ्री क्विज कंडक्ट करवा रही हूँ रात को 9 बजे। मेरी क्विज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही 12 जून को प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की फ्री क्विज भी होने वाली है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगर आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।